पब्लिक टीवी आपकी आवाज। खबर आपको आगमन हुआ है, किस तरह की तैयारियां हैं और जो बैठक ली है उसमें क्या क्या विचार हुए? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 21वां निर्वाचन 9-10 मार्च को लखनऊ में संपन्न होने जा रहा है। उस चुनाव में भाग लेने के लिए मैं मुरादाबाद के अपने साथियों को निमंत्रित करने के लिए आया हूँ। अब तक व्यापार मंडल ने GST में जो जो सुविधाएं व्यापारियों को दिलवाई हैं, खाद्य विभाग में दिलवाई हैं और जिन विभागों में दिलवाई हैं उनका पत्रक भी हमने सब में बांटा है और हम सुविधाएँ दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। GST में कुछ चीज़ों में कोई दिक्कतें हैं, जैसे अब प्लास्टिक का यहाँ पे कारोबार होता है मुरादाबाद में, रॉ मटेरियल पे 18% है और तैयार बर्तनों पे 12% है। 18% और 12% होने से यहाँ का व्यापार करने में बड़ी दिक्कत है। 12% अगर रॉ मटेरियल पे भी हो जाए और तैयार बर्तनों पे भी हो जाए तो व्यापार करने में बहुत आसानी होगी। इसी तरीके से स्टेनलेस स्टील बर्तनों पर 12% है, उनकी मांग है कि यहाँ पर 5% होना चाहिए, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के बर्तन मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा बनते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा व्यापार है स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का, इसलिए 5% होना चाहिए। तो इन सब सारी समस्याओं पे बात हुई है, ये सारी समस्याएं हम सरकार को लिखेंगे और इन समस्याओं का समाधान कराएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।